अपने आप कर रहे हैं और वो लगे रहते हैं, घर वाले कह रहे हैं कि इनको पता ही नहीं लग रहा कितनी देर हो गई। तो कल जो समूह था 3 बजे से लेकर के 6 बज गए, 3 घंटे कब निकल गए ये पता नहीं। वाओ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सर थ्योरी को हम रीड करते हैं, उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसकी पिक्चर्स बनाते हैं, फिर उसके बाद जो पिक्चर्स बनाते हैं उससे हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं, मतलब जो पिक्चर्स हमने बनाई है उसमें से ही हम स्टोरी बनाते हैं खुद से, उसके बाद उसमें एग्जाम्पल्स जो ऐड करने होते हैं एग्जाम्पल्स ऐड करते हैं, फिर से जो जो स्टोरी हमने कॉन्सेप्ट या पिक्चर में से बनाई है उसी में से क्वेश्चंस बनाते हैं। इसको डिफाइन करने वाले हो उसका सिर्फ पिक्चर बताओ कि इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है और ऐसा ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अर्थ दिखाई दे रही है, लिविंग बीइंग दिखाई दे रहे हैं कि अर्थ पे लिविंग बीइंग्स हैं, उस पे ऑक्सीजन है और जो ह्यूमंस है वो ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो अर्थ पे मतलब बहुत सारे गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सर बहुत सारी अदर गैसेस। अर्थ पे मतलब ऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है अगर क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं अर्थ पे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती जा रही है। अर्थ सारे प्लैनेट से एकदम डिफरेंट प्लैनेट है। 1% अर्थ पे वाटर है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? व्हाट इज सन, ऑन व्हिच प्लैनेट इज लाइफ एग्जिस्ट, व्हाट इज मून, व्हिच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, व्हाई इज अर्थ अ डिफरेंट प्लैनेट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, what is the amount of water on earth, what is the amount of land on earth, which gas do human inhale, is the closest star to earth। जो मैम ने आपको टॉपिक लिखाया था या बताया था और आप जो बता रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है? सर मैम जो बता रही थी वो बुक की लैंग्वेज में बतानी थी पूरा, और जो मैंने बताया बुक की लैंग्वेज से पूरा अलग है। अच्छा, ये आपका अपना है? Yes, sir। जितने टॉपिक आप बना रहे हो तो उसको दोबारा से रिवीजन करने का ऐसा लग रहा है कि रिवीजन करना पड़ सकता है या नहीं? सर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि रिवीजन करना है मुझे। नमक और पानी अगर हमें इसकी रिएक्शन करनी है तो हमारे दिमाग में क्या है कि एक नमक का डेला है और गिलास में पानी रखा है, गलती से पानी जो है वो नमक पर गिर गया और वो नमक जो है वो गल के पहुंच गई। अब उसको हमने जब देखा तो पता लगा कि वो नमकीन हो गया, तो उसके स्वाद इंद्रियों वहां पे काम करेगी। अब उसमें परिवर्तन क्या हुआ, वो हमें लगा कि नमक का एक डेला था, एक पानी रखा था गिलास में और वो गलती से हाथ लगा और उस पर गिर गया और वो एक टब में गिर गया। तो वो जो पानी का जो सॉल्यूशन बना उसकी एक टब की चित्र और जो पानी का जो मिक्सचर है वो उसमें बना, वो उसमें दिखाई देगा तो एक कहानी टाइप अपने आप बन जाएगी जी। और वो उस कहानी को हमारे जो माइंड है वो चित्र के रूप में, जैसा आप बता रहे हैं और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि चित्र के रूप में ज्यादा मेमोरी स्ट्रांग होती है बजाय शब्दों के। जी 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 जी। तो वो केमिकल का जो रिएक्शन है, अब हमें इसमें केवल इतनी बात आ गई, बोले सोडियम नमक और पानी H2O, तो जब सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl मिल गया, पानी बन गया, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा उससे। इसी के साथ में जैसे अभी जो बात चल रही थी जो सोडियम वाली, मेरे दिमाग में बात आई वो पिक्चर इस रूप में आई कि हम जहां कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे एक सर थे जिनका नाम सोडियम था। अच्छा। और वो आज हमारे घर पर आए, मैंने उनको पानी ले जाकर दिया, गलती से हाथ से पानी गिर गया और वो पानी उनके पास में रखे टब में जाकर के गिरा, तो एक कहानी टाइप बन गई। अब उसने पूछा ये क्या हुआ, अरे सर इसमें नमक और पानी मिल गए हैं दोनों को, क्या हुआ उसमें तो कुछ बाहर भी निकला, बोले हाइड्रोजन निकल गया है, वो जो है तुरंत उधर धोने के लिए भाग गए, हाइड्रोजन गैस हल्की है तो वो भागेगी ऊपर को, तो वो तुरंत उसे धोने के लिए भाग गए, तो एक कहानी टाइप बन गई है। तो ये
NaCl प्लस H2O बराबर है, ये जो कहानी इस तरह से बनेगी। इस दुनिया में एक ही चीज अमर है, वो है सर कहानी जी। जिसकी कहानी है वो अमर है, और जिसकी कहानी नहीं बनी वो गया। तो हर चीज की कहानी है और कुछ भी नहीं है अमर अगर कहा जाए, यानी लॉन्ग लाइफ का क्या रहनी है कहानी। तो आपने हर को, हर वर्ड को, हर टॉपिक को कहानी 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 दिन भर कहानी।